YouTube फैमिली, कैसा आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ और एक नए लुक में मैं बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के चंपा जिले के छोटे से गांव तामली से और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं हूँ अपने घर के पीछे साइड, क्योंकि आगे आंगन में चल रही है गौरा, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करने यहाँ ही हम लोग गाँव में गौरा घुमा के आ गए हैं। और मैंने वेयर कर लिया साड़ी, तो अभी फाइनल लुक दिखाएंगे, मतलब पूरा लुक दिखाएंगे। तो अभी और जो लड़कियाँ साड़ी पहनने वाली है वो हमारे घर के अंदर अभी रेडी होने में है। तो गाइस हम लोग जाने लग गए हैं गौरव को लेने के लिए, और इसको इन्होंने ना मेरी साड़ी पहना भी पसंद नहीं आई है मुझे, तो आई बहुत आई। आज हमारे गांव की लास्ट गौरव, आज एक महान इंसान के दर्शन करवाती हूँ मैं आप लोगों को। जिस अभी देखो बाहर होने वाली है छल्लोड़ी, मतलब उसमें एक चादर में फल रखेंगे और उसको ऊपर को उछालेंगे, फिर जिसके पल्लू में आएगा तो उसको शुभ माना जाता है। माना जाता है कि प्रसाद मिल गया है भगवान जी का, तो वही किया जा रहा है। आज हम दोनों देखो ट्विन्स बने हैं, सेम साड़ी भी हम दोनों की सेम ही है, पर ब्लाउज थोड़ा चेंज है, वो अलग बात है। बाहर देखो सब कुछ तैयारी हो गई, लोगों ने अपने पल्लू छोड़ लिए है, देखो ये इनमें पड़ेगा फल, तो इसको आशीर्वाद माना जाता है शिव जी और पार्वती का। वहाँ बीच में चादर, उसमें डाल रहे हैं फल, उसके बाद उछाला जाएगा, लोग अपने पल्लू छोड़ रहे हैं। इस खूबसूरत से त्योहार के साथ हमारा प्यारा घर, यहाँ देखो इतने सारे लोग तो यहाँ अपने पल्लू छोड़ने वाले हैं। ये दर्शक, वो दर्शक, ऊपर भीड़। दो टर्न हो गए, तीसरा टर्न, और लोग अपनी तैयारी में। ओए अभी ना होता क्या, अभी हो गई है गौरा दीदी की विदाई हमारे घर से। जैसे एक लड़की को विदा करते हैं वैसे ही गौरा को भी विदा करते हैं, पीछे से ला रहे हैं, फिर यहाँ से हम लड़कियाँ पकड़ेंगे आगे से। सारी लड़कियाँ जाएंगी अभी शिव मंदिर से हम लोग होते हुए आएंगे घर। गौरा को हम अभी शिव मंदिर में छोड़ के आएंगे, और मेरी दगड़िया ने देखो पकड़ लिया है। वेलकम वेलकम। अभी देखो अभी ना एक दो तीन हम तीनों हैं और कुछ लोग आगे चले गए हैं गौरा को लेके, क्योंकि हम हैं साड़ी वाले और चला नहीं जाएगा साड़ी में, वो सीधी सी बात है कि चला नहीं जा रहे हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने इष्ट देवता के मंदिर से, इधर अब हम पहुँचने वाले हैं शिव मंदिर। और मेरी लड़कियाँ बजाने लग गई हैं मंदिर में घंटी, और मंदिर में घंटी बज चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मंदिर। आज तो रात हो चुकी है, पर किसी दिन और जाऊँगी तो उस दिन ज़्यादा अच्छे से दिखाऊँगी हमारे यहाँ का शिवालय। और इस रास्ते में कम से कम बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, क्योंकि पहले हम इसी रास्ते स्कूल जाया करते थे। रे नीलू भाई, सब ना मतलब स्कूल को चले जाते थे, मैं इतना दौड़ लगाती थी, सबसे लेट जाती थी, मेरा तब से आज तक वही रहा, कहीं भी जाऊँ मैं लेट ही पहुँचती हूँ, मतलब सब स्कूल यहाँ पहुँच जाएंगे मंदिर के, वहाँ मैं घर ही रहती थी। आज भी मैं इस रास्ते आ रही हूँ और मेरे को बहुत याद आ रही है इस रास्ते की। ये देखो हमारे मंदिर को जाने वाला पुल, ये पुल मैं कितने दिनों बाद आ रही हूँ मैं, क्योंकि मंदिर भी आजकल आना हुआ नहीं, इस बार हम सावन के महीने में आए नहीं, क्योंकि
अतमास मलमास पता नहीं क्या क्या लग रखे थे। ये है हमारी छोटी सी नदी जो हमारे घर के नीचे से बहती है। ये देखो कितने मस्त लग गया ना। कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हम लोग कैसे लगे हैं, ठीक है? कमेंट कर देना यार। और दिनों नहीं करते हो चलेगा, आज तो साड़ी पहनी आज पक्का करना। आज मैं लाइव में फर्स्ट बार लाइव आई हूँ मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव आई हूँ, क्योंकि ये दिखा रही है मेरे को। हेलो, मेरे फोन से दिखाने में लगी हुई है, क्या करें। पीछे ये देखो, पीछे से लाइव आके दिखा रही है। जो जो लोग लाइव में हो ना कमेंट कर देना इस वाली वीडियो में। हम लोग पहुँच गए हैं अपने यहाँ के शिवालय में, तो यहाँ से तो गेट बंद है, हम जाएंगे इधर साइड से। ये देखो यहाँ है हमारा शिव मंदिर। पिछली बार की गौरा देखो, ये यहाँ से दिख रही है पिछली बार की गौरा, ये ऐसे रख के जाते हैं। निकाल दिया यहाँ से देखो, और गौरा और महेश्वर को पेड़ में, पीपल के पेड़ में डाल दिया है। और हम लोग लाए हैं फल, देखो फल जैसे घर में उछाले थे ना वैसे ही मंदिर में भी करते हैं, मंदिर के लिए भी फल लाते हैं। ये है मंदिर के फल। ये डर गई यार मेरे हाथ लगाने से। जो भी चीज़ें होती है सब यही मंदिर में रख के जाते हैं, शिव मंदिर में हमारे यहाँ। यहाँ पे दिया वगैरह जला के अब मेरी दगड़िया चले गई है मंदिर के अंदर, वहाँ जला के आएगी वो। तो हम दोनों जा रहे हैं मंदिर, और यहाँ की लाइट भी जल गई। वाह, आजकल लाइट भी लगी है। मैं घर से सोचती हूँ यार यहाँ लाइट कौन जलाता होगा रोज़ रोज़, क्योंकि हमारे इस मंदिर में पहले बाबा रहते थे, आजकल बाबा बाबा कुछ है नहीं। मैं वही सोचती थी पर मेरे को पता नहीं था यहाँ स्ट्रीट लाइट है। तो वहाँ पूजा करके आएगी वो। ये हमारा शिव जी का मंदिर। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के भक्त एक बार कमेंट तो कर ही देना। देखे कुछ नहीं मिला तेरे को? ये हमारी भाभी श्री यही शिवालय के बगल में, इनका कितना अच्छा मंदिर के जस्ट बगल में घर है। इसको कुछ नहीं मिला को। जय हो, जय भोलेनाथ। थोड़ी सी गौरव आते हैं फिर चलते हैं घर को, क्योंकि बहुत रात हो गई। इसका मूड ऑफ हो गया क्योंकि मैंने इसको इतना परेशान कर दिया ना, पर क्या कर सकती हूँ भाई इसी हालत में। तो हमने गौरा को पेड़ में रख दिया, इसने ही रखा। और यहाँ पे मंदिर में पूजा वूजा भी कर लिया हम लोगों ने, हल्की फुल्की जितनी हो सकती है हमसे दिया बाती करके हम लोग जा रहे हैं अभी घर को। उससे पहले उछालते हैं फल। फल उछालने का रीजन, यहाँ भी दो लोग हम फल उछालेंगे और बाकी के लोग अपने पल्लू को ऐसे या दुपट्टे को पकड़ेंगे और उसमें जो भी फल आएगा वो लेके जाएंगे आशीर्वाद के रूप में अपने घर को। तो वहाँ पे देखिए इन मैम की बन रही है रील भाई साहब, मतलब साड़ी पहनी नहीं हुई यार, ये लोग ना कुछ काम ही नहीं कर दे रहे। अगर यही हम लोग सूट में आए होते ना अभी तक हम घर पहुँच जाते, सीधी सी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। रात को भी होने के लिए तो हमारे घर में गौरा होगी, आज लास्ट दिन है और आज बहुत अच्छी गौरा होगी। पर रात को ना अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट ही नहीं है कितने दिनों से, अभी भी कुछ भरोसा नहीं है आ जाएगी या चले जाएगी, है ना। इसके साथ आज का व्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने इस गांव के शिवालय से। होप आप लोगों का अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच रही। और एक बार कमेंट कर देना यार, कमेंट तो ज़रूरी कर देना, कर देना कुछ तो कर देना भाई। इतने लेट ये अभी पहुँच रही है, हम लोगों ने यहाँ सब कर दिया उसके बाद पहुँचे। देखो पहुँची तो सही ना गाइस, आई तो सही। और इतनी गंदी है ना यार, इसने मेरे साथ इतनी लड़ाई कर रखी है, इतनी लड़ाई कर रखी है, मतलब हर एक टाइम में मेरा ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, मतलब कई खतरनाक है यार। मैं इसकी बहन से कह रही हूँ कैसे झेल लेती है तू इसको। मेरी दीदी सुनेगी, मेरी दीदी देख रही होगी व्लॉग, उनको पता होगा मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं कितनी अच्छी हूँ उनको पता होगा। तो साक्षात खुद शिव और पार्वती चल के हमारे घर में आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी हमारे गौरा वाले ब्लॉग सारे पसंद आए होंगे। मिलते हैं आप लोगों को अगले दिन में एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय श्री राम।